तो दिल्ली में सुपर बॉस कौन है, एलजी या सीएम? ताजे विवाद में हर ओर लोग इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। दरअसल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार का ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है, लेकिन दोनों ही कार्यकालों में केंद्र सरकार और उनकी खटपट कभी बंद नहीं हुई। केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले उपराज्यपाल के पद पर चाहे कोई भी बैठा हो, केजरीवाल सरकार से हमेशा टकराव होता रहा है। अब आपको बताते हैं कि कब कब दिल्ली के उपराज्यपाल से भिड़ गए केजरीवाल। 1 अप्रैल 2015, केजरीवाल सरकार ने कहा पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन के मामलों की फाइल मुख्यमंत्री के पास भेजी जाएगी, पर एलजी नजीब जंग ने इनकार कर दिया। 20 जुलाई 2015, दिल्ली सरकार ने स्वाति मालीवाल को दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के लिए नियुक्त किया। नजीब जंग ने पूछा उनकी मंजूरी क्यों नहीं ली गई। 11 अगस्त 2015, सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच के लिए दिल्ली सरकार ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई, एलजी नजीब जंग ने आदेश कैंसिल किया। 14 मई 2018, आम आदमी पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में 10 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने का वादा किया था, पर एलजी दफ्तर में फाइल पास नहीं की गई। इस पर कैबिनेट ने एलजी ऑफिस के अंदर धरना दिया। 13 जून 2018, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आईएएस अधिकारियों की स्ट्राइक के खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस के बाहर धरना दिया। 8 जून 2020, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए कोरोना के इलाज को रिजर्व किया था, पर दिल्ली एलजी अनिल बैजल ने आदेश को रद्द कर दिया। यानी हर साल विवाद दर विवाद होते रहे और दिल्ली की आप सरकार अकेले ही अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। दिल्ली में इस बार केजरीवाल सरकार को कांग्रेस का भी साथ मिला है। विपक्षी दल होने के बावजूद कांग्रेस खुलकर केजरीवाल सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है। ऐसे में अब केजरीवाल सरकार अपनी ताकत दिखाने जल्द ही सड़क पर दिखेगी और केंद्र सरकार को ये आदेश देने की कोशिश होगी कि चुनी हुई सरकार के अधिकार लोकतंत्र में छीनना जायज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।